कोचिंग सिटी कोटा से आ रही बड़ी खबर के साथ, जहां पर नीट की तैयारी कर रही कोचिंग छात्रा के अपहरण का मामला सामने आया है। जानकारी ये कि मध्य प्रदेश के शिवपुरी की रहने वाली छात्रा सितंबर महीने में कोटा आई थी। छात्रा के पिता रघुवीर धाकड़ ने बताया है कि सितंबर में उन्होंने अपनी बेटी का एडमिशन कोटा के विज्ञान नगर स्थित एक कोचिंग में कराया था। कोचिंग के पास ही एक कमरा उसे रहने के लिए दिलाया गया। पिता ने बताया कि रविवार रात को बेटी से आखिरी बार बात हुई थी। उसके बाद सोमवार दोपहर करीब 3 बजे पिता के व्हाट्सएप पर बेटी के हाथ पैर और मुंह बंधे हुए फोटो आए, जिसमें फोटो भेजने वाले ने धमकी भरा मैसेज भी भेजा। मैसेज में लिखा कि अगर अपनी बेटी को जिंदा देखना है तो 30 लाख रुपये दे दो। इसके बाद मैसेज भेजने वाले ने कॉल कर 30 लाख रुपये सोमवार शाम तक देने के लिए कहा, नहीं तो बेटी को मारने की धमकी दी। युवक ने एक अकाउंट नंबर भेजा जिसमें उसने पैसे मांगे। इसके बाद पिता ने इस बात की जानकारी कोटा पुलिस को दी। पुलिस मामला दर्ज कर तुरंत जांच पड़ताल कर रही है। साथ ही इस मामले में पुलिस को कुछ महत्वपूर्ण सुराग भी मिले हैं, जिससे मामले का जल्द खुलासा होने की उम्मीद जताई जा रही है। तो मध्य प्रदेश के शिवपुरी की रहने वाली है छात्रा, जिसकी किडनैपिंग कर ली गई है और अपहरणकर्ताओं ने 30 लाख रुपए फिरौती की मांग की है। पुलिस थाने में छात्रा के पिता ने रिपोर्ट दर्ज करा दी है और पुलिस अब आगे की जांच पड़ताल कर रही है। कहां तक ये जांच पहुंची है, जांच में क्या बातें सामने आई है, छात्रा की किडनैपिंग से जुड़ा पूरा मामला है। कोटा में तैयारी कर रही थी छात्रा, जिसका अपहरण किया गया। 30 लाख रुपये फिरौती की मांग की गई है। मध्य प्रदेश के शिवपुरी की रहने वाली है ये छात्रा, जो कि कोटा में नीट की तैयारी कर रही थी, जिसका अपहरण किया गया। और उसके बाद हुआ ये कि छात्रा के पिता के व्हाट्सएप नंबर पर हाथ पैर बंधे हुए फोटो भेजे। उसके बाद फिरौती 30 लाख रुपये फिरौती की मांग की गई है। और अब क्योंकि पुलिस थाने में रिपोर्ट दर्ज करा दी गई है, तो जांच कहां तक पहुंची है इस मामले में, सहयोगी शाकिर अली इस वक्त मेरे साथ लाइव मौजूद हैं और उन्हीं का रुख कर लेते हैं और जान लेते हैं शाकिर से ही कि शाकिर कहां तक जांच पहुंची है, क्योंकि पुलिस मामले की जांच पड़ताल कर रही है किडनैपिंग मामले में। जी देखिए, जैसे ही पुलिस के संज्ञान में ये मामला आया और सोशल मीडिया पर ये फोटो वायरल हुए थे, उसके बाद से पुलिस लगातार इस मामले में जांच में जुटी हुई है। पुलिस की एक टीम जो है, एसपी जो है अमृता धुवन, उन्होंने एक विशेष टीम का गठन किया है, जिसमें तकनीकी टीम को भी लिया गया है। किस नंबर से मैसेज आए हैं, क्या अकाउंट नंबर जो भेजे गए हैं, उनकी क्या डिटेल्स है, इन तमाम चीजों पर जो है जांच की जा रही है। लेकिन इस बीच पुलिस को अहम सुराग भी हाथ लगे हैं। इसमें बड़ी बात यह है कि जिस कोचिंग संस्थान में एडमिशन का दावा परिजनों की ओर से किया जा रहा है कि इस कोचिंग संस्थान में छात्रा का दाखिला था, उस कोचिंग संस्थान में छात्रा का दाखिला नहीं है। और वही जिस हॉस्टल, जिस इलाके में छात्रा रह रही थी, जहां पर कहा गया कि इस इलाके में रह रही थी, इस हॉस्टल में, वहां भी जो है, उस हॉस्टल में भी जो है दस्तावेज जो खंगाले गए हैं, जो शुरुआती जानकारी हमें मिल रही है उसके मुताबिक छात्रा का वहां पर भी कोई रजिस्ट्रेशन नहीं है। यानी इस मामले का दूसरा पहलू भी हो सकता है, पुलिस इस पर भी पूरी तरह से जाँच कर रही है और जल्द इसमें खुलासा हो सकता है कि छात्रा कोटा में रह भी रही थी या नहीं रह रही थी। और ये जो जिस तरह से ये पूरा मामला सामने आया है कि छात्रा के परिजन के पास एक SMS पहुंचता है और उसके बाद फोटोग्राफ्स पहुंचते हैं और अपहरण की बात कही जाती है। और शाकिर, ये तस्वीर जो हम दिखा रहे हैं दर्शकों को, इसमें छात्रा तो नजर आ रही है, हाथ पैर बंधे हुए उसको दिखाया जा रहा है, एक युवक भी इसमें नजर आ रहा है, ये युवक कौन है? जी देखिए, इसी बात की पुलिस जांच कर रही है कि ये युवक कौन है और जो तस्वीरें जो भेजी गई है, इन तस्वीरों में कितनी सच्चाई है, क्योंकि घटनाक्रम में पूरी सच्चाई है या नहीं, या फिर ये कोई बनावटी अपहरण की कहानी है, ये तमाम एंगल हैं जो पुलिस इस पर जांच कर रही है। लेकिन पुलिस की प्राथमिकता ये है कि पहला शुरुआती तौर पर जिस तरह का मामला आया है उस पर पूरी तरह से इसको साफ किया जाए, इसकी पूरी जांच की जाए। इसलिए रात को ही पुलिस ने विशेष टीमों का गठन कर दिया था। फिलहाल पुलिस का ये कहना है कि उनके हाथ अहम सुराग लगे हैं और वो जल्दी इस पूरे मामले में खुलासा करेंगे। एक और बात मैं आपको बता दूं, इससे पहले भी जो है कोटा में कई बार जो है कोई कोचिंग छात्रों ने अपने अपहरण की झूठी कहानी जो है वो रची थी, उस पर भी पुलिस ने खुलासा किया था, कई साल पहले की ये बात है। इससे कुछ दिन पूर्व कई बार एक दो परिजनों के पास जो है कुछ ठगों ने टेलीफोन भी किया था कि उनकी बच्ची का जो है
इस तरह से हो गया है, उनके अकाउंट में पैसा डाला जाए, तो उस मामले में भी पुलिस ने खुलासा किया था और अभिभावकों के लिए एक मैसेज भी शहर एसपी ने जारी किया था कि अगर इस तरह का कोई फोन या इस तरह का कोई मैसेज आता है तो कोटा पुलिस को तुरंत सूचना करें। लेकिन ये मामला अपहरण का, क्योंकि इस पूरा का पूरा मामला अति संवेदनशील मामला है, छात्रा के फोटो भी वायरल किए गए हैं, तो पुलिस इसमें पूरी गंभीरता बरत रही है और क्या इस पूरे मामले में निकल करके आता है इस पर कोटा पुलिस जल्द खुलासा करेगी। लेकिन पुलिस का कहना है कि उनके हाथ में अहम सुराग लग चुके हैं। ये जो छात्रा है, इससे पहले इंदौर में 2 साल इसने पढ़ाई की, कोटा में ये सितंबर के महीने में आई थी और नीट की तैयारी कर रही थी, जिस तरह की उसके पिता ने जानकारी दी है उसके मुताबिक। लेकिन पुलिस की जो जांच सामने आई है उसमें जो है छात्रा का दाखिला कोचिंग संस्थान में नहीं मिला है, साथ ही उस हॉस्टल में भी नहीं मिला है जहां का कहा गया था। तो अब इस घटना के अन्य पहलू भी हो सकते हैं, इस पूरे घटनाक्रम के और दूसरे पहलू क्या निकल करके सामने आते हैं, या वाकई अपहरण निकल कर सामने आता है या कोई और इस एंगल इसमें सामने आता है, इस पर पुलिस खुलासा करेगी। पुलिस का और खुलासा जैसे ही होगा जो जानकारी सामने आएगी शाकिर अली आप जरूर पहुंचाएगा दर्शकों के बीच, क्योंकि बड़ी बात है इस मामले में ये कि रजिस्ट्रेशन ही नहीं है, जहां पर हॉस्टल में रह रही थी वहां पर भी रजिस्ट्रेशन नहीं है। तो ऐसे में अब पुलिस इस मामले की जांच पड़ताल में क्या बातें निकलकर सामने आती है पुलिस की ओर से, ये महत्वपूर्ण रहेगा। शाकिर शुक्रिया आपका।